हेलो गाइस, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये क्ले पॉट, इसको मटकी और कुल्हड़ भी बोलते हैं। और आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है, सबसे ज़्यादा इंडिया में इसको खाते हैं। क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये हर घर में मिलता है। जो क्ले पॉट है ये हर घर में होते हैं, आपने देखे होंगे मिट्टी के बर्तन हर घर में होते हैं, आपके घर में भी होंगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको सबसे ज़्यादा खाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये क्या सच में ज़्यादा टेस्टी होता है, या क्या इसमें कोई टेस्ट होता है, या क्या इसको खाने से हमें कोई फ़ायदा होता है, या इसको खाने से हमें कोई नुकसान हो सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि ये हर घर में मिलता है। और इसके खाने का पीछे का रीज़न है कि लोगों को इसकी सबसे पहले खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आपने सबको बोलते सुना होगा कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, सबको अच्छी लगती है। और बहुत से लोग इसकी खुशबू के चक्कर में इसको खाने लग जाते हैं और उसके बाद उनको आदत हो जाती है और उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स भी होती है। और आपको पता है कि जो क्ले पॉट होता है ये तो मिट्टी होती है, ये हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होती है, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मिट्टी अंदर डाइजेस्ट नहीं होगी तो ये बहुत ही प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि ये अंदर ऐसे के ऐसे जमता रहेगा। और आप अगर दिन में एक क्ले पॉट भी खा रहे हो, या आप देख सकते हो इतना क्ले पॉट भी खा रहे हो, तो मतलब ये आपको बहुत ही नुकसान कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, जब आपके ये पेट में जाता है तो अंदर ये ब्लॉकेज कर देता है, आपके जीभ पे एक परत बन जाती है इससे, और जिससे आपको टेस्ट भी नहीं आता है, और ये आपके दांतों में किरकिरी कर देता है, आपने देखे होंगे। और बहुत से लोगों के इससे दांत घिस जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत सख्त होता है तो इससे दांत घिस जाते हैं, जिससे आपको खाना खाने में भी दिक्कत हो सकती है और ये गल में भी इन्फेक्शन कर सकता है और पेट में ये ब्लॉकेज कर लेता है, डाइजेशन ख़राब कर लेता है, और इससे आपके पेट में इतनी ख़तरनाक ब्लॉकेज हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उससे इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि आप वो दर्द सहन ही नहीं कर पाओगे। और इसको पता है कि ये मिट्टी है तो ये आपके किडनी में जम जाएगा और किडनी स्टोन कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है किडनी स्टोन। आपको पता है कि उसका ऑपरेशन ही कराना पड़ता है और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन है तो महंगा होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ करता है ऑपरेशन। आपको पता है कि ऑपरेशन जब तक ना कराओ तब तक ये तकलीफ़ करता है किडनी स्टोन। और मैं आपको बता दूं, इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि अगर कोई इंसान मिट्टी खा रहा है तो वो अंदर ख़राब करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी खाने के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर बना है और सारे फल खाने के लिए, सब्जियां खाने के लिए, रोटी चावल ये सब खाने के लिए, जिससे हमें पोषण मिलता है। लेकिन अगर आप मिट्टी खाते हो तो मिट्टी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई पोषण मिलेगा, उल्टा आपको ये नुकसान कर देगा और इतने खतरनाक नुकसान कर देगा कि आपने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको खाने के चक्कर में। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इसको मत खाओ, और इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं कि ये टेस्टी होता है, उनको टेस्टी लगता है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि उन लोगों को उनकी बॉडी में आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, या उनको पीका की बीमारी या न्यूट्रिशन की कमी होती है, तभी उनको ये टेस्टी लगता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने, अगर आप में से किसी को कोई भी कमी नहीं है या आपने ये कभी खाया नहीं है तो आपको ये बहुत गंदा लगेगा, आपको इसका टेस्ट अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपने ये खाया है या आपको इसकी आदत है या आपके शरीर में कोई भी कमी है या आपको पीका की बीमारी है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। तो चॉइस आपकी है कि आपको इसको खाना है, इसको खाकर बीमार होना है या हॉस्पिटल के चक्कर, या फिर इसको छोड़ देना है और एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, चॉइस आपकी है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें इसको खाने से कुछ नहीं हुआ है, हम 10 साल से खा रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं, 30 साल से खा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, सबका शरीर अलग अलग होता है, सबका एक जैसा शरीर नहीं होता है। जैसे कि मेरा शरीर है, अगर मेरे शरीर में कुछ गलत जाता है तो उसका रिएक्शन थोड़ा लेट आएगा, आपके शरीर में जाएगा तो किसी का जल्दी आएगा, किसी का लेट आएगा, तो इसी तरह होता है। अगर आपको इसका रिएक्शन जल्दी आता है, मतलब आपको उल्टियाँ होने लगती है, आपको पेट दर्द होने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर डैमेज कर रहा है और आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि इसको बाहर निकालो या इसको मत खाओ। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मतलब इसका मतलब कि ये अंदर जाता रहेगा, डैमेज करता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि अंदर जाएगा और कुछ डैमेज नहीं करेगा, ये अंदर डैमेज करता रहेगा, और उसका पता तब लगेगा जब वो बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी और जिसका इलाज भी नहीं हो सकता है, उसका पता तब लगेगा।
तो चॉइस आपकी है। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है। अगर आपको इसको खाने की आदत लगी है तब आपको ये टेस्टी लगता है। और आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, ज़्यादातर क्रंच की, ASMR की देखी होगी, जिसमें वो इनको खाते हैं, और एक नहीं बहुत सारे खाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुछ वीडियो में उन्होंने स्वेलो नहीं किया होता है, कुछ ने स्वेलो नहीं किया होता है। जो स्वेलो नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत तो उनके अंदर चला ही जाता है, और वो भी डैमेज और प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं करता है और बहुत जल्दी नहीं करता है। तो इसलिए आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग अभी भी वीडियोस बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, या वो आपसे छुपा रहे हैं कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी है जो अभी भी आपसे छुपा रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम होती है। और बहुत से लोग जिन्होंने स्वेलो किया है, बहुत ज़्यादा खाया है, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। कुछ ने तो अपने चैनल ही चेंज कर दिए, या कुछ ने तो अपने वीडियोस डालना ही बंद कर दिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इसको मत खाओ, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो लोग आपको बोलते हैं कि ये टेस्टी लगता है उन्हें, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि उनको या तो आयरन की कमी है, या उनको कैल्शियम की कमी है, या फिर उनको पीकर की बीमारी है। तो ये खाने के लिए नहीं होता है, आप किसी की बातों में मत आओ और इसको बिल्कुल भी मत खाओ। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक दूसरे की बातों पर आते हैं और वो इस तरह की चीज़ें खाने लगते हैं, लेकिन उनको बाद में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और बाद में वो पछताते हैं कि मैंने इसको क्यों खाया, या मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। और बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको इसकी इतनी ज़्यादा बुरी लत लग चुकी है कि वो खाना छोड़ देंगे, लेकिन इसको खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको मत खाओ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे लिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि मैं इस वीडियो से आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ना इसमें कोई टेस्ट होता है, और ना इसको खाने से हमें कोई फ़ायदा होता है, और इसे खाने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और ना ही इस तरह की वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि उसे क्रेविंग्स होती है, और क्रेविंग्स से आपको पता है कि बाद में फिर आप खाने लग जाते हो, फिर आदत लग जाती है, और फिर आप इसको छोड़ नहीं पाते हो। आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन फिर भी आप इसको छोड़ नहीं पाते हो, इतनी बुरी इसकी आदत लगती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको खाना छोड़ दोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। और आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर लाऊं, या नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताऊं। आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियोज आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ और जान सकते हो।